नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पंचकुला के रायपुर रानी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 उम्मीदवारों को जिताकर तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की। राहुल गांधी साहब को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए। उनकी दादी ने 1970 में कहा था, उन्होंने शायद ये कहा था कि हम ग्रेवी हटाएंगे। ये नारा 1970 के अंदर एक कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था और आज तक गरीबी नहीं हटी। गरीबों के लिए कोई योजना भी नहीं बनी। गरीबों को लॉलीपॉप देने का काम 55 साल 60 साल तक कांग्रेस करती रही, कांग्रेस के बड़े नेता करते रहे और इस प्रकार से उनको रेवड़ियां दे करके इस प्रकार की बातें करते रहे कि जब चुनाव आते थे टॉफी देने का काम करते थे और फिर उनके हालात के ऊपर उनको छोड़ देते थे। ये 1970 में ये राहुल गांधी को पीछे थोड़ा जाना चाहिए। अपने परिवार के जो उनकी दादी ने शासन किया था उन्होंने क्या शब्द कहे थे, वो अब एक झटके के अंदर वो गरीबी दूर करने की बात कर रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। अंबाला पहुंचकर उन्होंने बीजेपी ऑफिस में नेताओं के साथ चुनाव को लेकर के चर्चा की। आपको बता दें, यहां पर एक मीटिंग हुई और इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और मौजूदा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मनोहर लाल ने उत्तर भारत में वोट प्रतिशत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर राज्य का वोटिंग प्रतिशत अलग अलग होता है। वहीं उन्होंने बीजेपी की 370 सीट और बीजेपी के घटक दलों की 30 सीट जीतने का दावा किया है। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अलग अलग प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो एनडीए के अन्य जो घटक हैं वो सब मिलकर के और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। पियोवा से आम आदमी पार्टी के नेता गुरविंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरविंदर सिंह और उनके कई समर्थकों को पटका पहनाकर बीजेपी ज्वाइन करवाई। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इनेलो के प्रधान सचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनेलो के प्रदेश के घोषणा पत्र में पूर्व सैनिकों की मांग को डालेंगे, भूतपूर्व सैनिकों का बोर्ड भी बनाएंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर भी युवा विरोध कर रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के युवा विरोध कर रहे हैं और उनके साथ खड़े होकर इस पर पाबंदी लगाएंगे। साथ ही महिला सर्वखाप की राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया का बयान भी इनेलो को चुनाव में समर्थन देने को लेकर सामने आया है। किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा, और किसानों का हर तरीके से समर्थन भी किया था, इसी के चलते हम इनका समर्थन हमारा संगठन कर रहा है, महिला सर्वखाप के अध्यक्ष ने कहा। महिलाओं की जो सर्वखाप है, जिसकी भारतवर्ष की सर्वखाप महिला महापंचायत की अध्यक्ष जो है डॉक्टर संतोष दहिया, और उनकी जो अलग अलग सारी पदाधिकारी जो हैं, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फैसला किया है समर्थन देने का। जिनमें विजय भारती कुरुक्षेत्र की अध्यक्ष है विजय भारती जी, करनाल की अध्यक्ष है
लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई है, जिस पर कुलदीप बिश्नोई की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके कांग्रेस में जाने की कुछ खबरें चल रही हैं, जो कि पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। उन्होंने संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनकर काम किया है और आगे भी संघ परिवार और पार्टी की मजबूती के लिए ही कार्य करते रहेंगे। किसानों का रेल रोको आंदोलन लगातार जारी है। इन छह दिनों में अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। अंबाला रेल मंडल से गुजरने वाली लगभग 788 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, जिसमें 352 ट्रेन को कैंसिल किया गया, कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया तो कुछ के रूट को डायवर्ट किया गया। अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने इस पूरे मामले पर बताया कि अब तक आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो अंबाला मंडल से गुजरने वाली 788 रेलगाड़ियां प्रभावित हो रही है। अभी तो मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, गोरखपुर जानी है मेरे को। क्या बताया जा रहा है ट्रेन का? ट्रेन तो 4 घंटे लेट जा रही है जी। अभी ट्रेन का बहुत दिक्कत चल रही है, ट्रेन समय से आ नहीं रही है। स्टेशन पे है आप लेट हो? अभी वेट कर रहे हैं, ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं सर, देख रहे हैं कितना समय में आ रही है। काफी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। क्या बताया जा रहा है आपको, क्यों लेट हो? लेट भी पता नहीं, दिक्कत तो अभी बताया नहीं जा रहा है, ऐसे ट्रेन लेट आ रही है। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ परसों, आज 4 दिन हो गया मैं चंडीगढ़ गया था, और अंबाला से कहानी ऐसा हो गया है कि हर गाड़ी रद्द। आप बताइए, मैं सुबह 9-8 बजे से यहाँ प्लेटफार्म में भटक रहा हूँ, अभी तक कोई गाड़ी दिल्ली के लिए मिली नहीं रही है, न पुरानी दिल्ली की नई दिल्ली की। जिससे भी पूछताछ में जाता हूँ तो सब बोला रद्द, सब बोला रद्द। ये क्या मामला बना रखा है यार, जबकि पब्लिक के पैसे भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, फिर भी एक घोटालाबाजी कर रहे हो तुम लोग। अब यही सोच रहा हूँ कि अभी एक पूछताछ में मैंने पता किया, बोला कि 1 बजे कोई गाड़ी है। गेहूं के पीक सीजन के बीच करनाल अनाज मंडी के सैकड़ों मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। मजदूरों ने मंडी में गेहूं उठान का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि जब तक प्रति कट्टा मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं होगी तो वो उठान का काम नहीं करेंगे। लिफ्टिंग का कार्य बंद करने वाले मजदूरों ने बताया कि बीते सीजन में उन्हें उठान के लिए प्रति कट्टा 3 रुपये 3 पैसे मजदूरी मिल रही है। महंगाई बढ़ने के बावजूद उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई गई, इसलिए मजबूरन उन्होंने उठान का काम बंद कर दिया है। मजदूरों की मांग है कि उन्हें प्रति कट्टा 5 रुपये मजदूरी दी जाए। मजदूरी कम मिल रही है हम लोगों को, लेबर भी कम है, मजदूरी बहुत कम मिल रहा है। हमारे राजमंडी में जो लोडिंग का काम है वो मजदूरी बहुत कम है, बाकी जो 3 रुपये 3 पैसे जो मजदूरी है, अगर बाहर के बंदे आते हैं तो 6 रुपये बोरी लोडिंग करके ले जाते हैं, और फिर वो क्या होता है जो ठेकेदार करना नफा नुकसान तो उसका होना चाहिए। तो कच्ची का मजदूर है, जो मजदूर है उनके नाम से जो ठेकेदार है वो उसका जो है 3 रुपये फालतू लगता है, तो 6 रुपये ठेकेदार का ही काट दिया जाता है। इसलिए ठेकेदार जो पक्की का ठेकेदार है, जो टेंडर भरते हैं उनका नुकसान नहीं है, ये जो कच्ची का ठेकेदार है उनको 3 रुपये बोरी काट दिया जाता है, 2 रुपये अगर फालतू है तो 2 रुपये बोरी काट दिया जाता है। लोडिंग का काम जब तक रेट का फैसला नहीं होगा जब तक नहीं। ये रेट की बात है, जो कब से ये रेट चले आ रहे हैं? ये रेट साल से चले आ रहे हैं, 3 रुपये बोरी का साल से, मतलब पिछले साल भी यही था, आज भी यही है। तो आप लोगों की मांग क्या है? हमारे मांग है जो है, मतलब बाहर के लेबर आता है 6 लेके जाता है 6.5 लेके जाता है, कम से कम 5 तो होना चाहिए, जब लेबर कहीं से आएगा, लेबर आता नहीं। तो आज कितने मजदूर हैं जिन्होंने काम बंद कर दिया? सारे मंडी का मजदूर को काम बंद कर दिया। कोई ट्रक लोड नहीं, कोई ट्रक कहीं एक बोरी नहीं। खबर सोनीपत से है, जहां गांव बोहला में एक पिता ने अपने बेटे की हत्या की वारदात को अंजाम देकर सबूत मिटाने के लिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में किसी ने पुलिस को सूचना दी तो धधकती आग से शव के अवशेषों को निकालकर सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
जो मौके से जिसके बाद से जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया। ये आज सुबह मुखबर खास ने सूचना दी थी कि बोड़ा गांव में रोहित नाम के लड़के की हत्या करके और उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इसके गांव के सरपंच ने लिखित में शिकायत दी है, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मृतक के पिताजी जयप्रकाश पर आरोप लगे हैं इसको मारने के, और डेड बॉडी को चिता से निकलवाया गया है। पोस्टमार्टम के लिए जीएच सोनीपत लेके आए हैं, बाद पोस्टमार्टम और जैसी जरूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कैसे क्या हो गया? ये दारू पी रहा था, बीर बनी का पनी का मारा था, वो घर के छठवा थे, डंडा डंडा उसके लाट गया, वो किधर चलते साथ में लाट गया। फिर क्या हुआ उसके बाद में? फिर दाह संस्कार कर दिया था गांव के अंदर, वह किसी ने पुलिस में ऊपर एतरा कर दी कि उसका पोस्टमार्टम करो। अच्छा, डंडा किसने मार दिया? उसके बाप जो है लाट गया। अच्छा, क्या नाम था उसका? जयप्रकाश। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और फरीदाबाद लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का चुनाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की उम्मीद और विश्वास पर खरे उतरे हैं। बीजेपी नेता का चुनाव जो बीजेपी नेता है उनका चुनाव प्रचार के दौरान गांव में हो रहे विरोध को भी कृष्णपाल ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आप किसी से नाराज हैं तो उसे वोट ना देकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन किसी को गांव में नहीं घुसने देना, गाली गलौज और बदतमीजी करना गलत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन मैं ऐसे एक आज ऐसे कार्य में आया हूँ राजनीति, लेकिन देखिए उनकी अपनी पार्टी का मामला है, वो कब फैसला करेंगे, किसके लिए फैसला करेंगे, तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारा बोलना उसमें ठीक नहीं लगता। तो आपको एज मिल रहा है इस चीज का अपडेट होने का? लेकिन निश्चित तौर पर इसी चीज में भी कोई पार्टी अगर डिले करती है तो उनको कम समय मिलता है, तो उसका नुकसान तो पार्टियों को उठाना पड़ता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह का भरोसा और विश्वास मोदी जी के प्रति देश में नहीं पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रहा है, और मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं, तो आज के हालात में लगता है कि एनडीए 400 पार करेगा और बीजेपी 370 पार करेगी। रोहतक लोकसभा सीट से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपना प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिया है। बाजारों में डोर टू डोर कैंपेन से लेकर के वर्ग और समाज की सभाओं में दीपेंद्र पहुंच रहे हैं। वहीं बहादुरगढ़ में भी दीपेंद्र हुड्डा के लिए पंजाबी समाज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार के 10 सालों को विकास की रफ्तार रोकने के साल करार दिए हैं। मुंडका से आगे, चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी थी, लेकिन मुंडका से आगे मेट्रो के लिए दिल्ली की सरकार ने कहा कि यहाँ हमारी आबादी के नॉर्म्स पूरे नहीं है, हम आगे के लिए और ज्यादा फंडिंग नहीं दे सकते। हुड्डा साहब ने कहा लेकिन ये मेट्रो इस दिशा में हरियाणा की तरफ बढ़नी चाहिए, दिल्ली के अंदर का पैसा भी हम देंगे। तो मुंडका के स्टेशन से लेकर दिल्ली पहले बॉर्डर तक, टिकरी तक और टिकरी से आगे तक पूरा का पूरा पैसा हरियाणा सरकार ने हुड्डा साहब ने एक कलम से कहा, और तब ये मेट्रो मंजूर हुई। तो कमलनाथ जी को, तो कमलनाथ जी को लेकर ये मेट्रो यहाँ तक आई, क्योंकि ये इलाका आगे बढ़े। प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण ने बाढ़सा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि लगातार दो दिन से किसानों ने सड़क जाम किया है, और इसी को लेकर प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण ने अनाज मंडी का दौरा किया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पिछले दो दिन से उठान कार्य में देरी होने से बाढ़सा अनाज मंडी में की जगह जो नहीं होने के कारण मंडी प्रशासन ने मंडी को ताला लगा दिया था। मंडी बंद किए जाने के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार सड़क को जाम कर रहे थे।
क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका देखो, हमने आरटीओ से भी बात करी है, किसानों से भी बात करी, अपने अधिकारियों से भी बात करी। देखो, हमारा सबका फंड बनता है, जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है उसको दिक्कत को निकाल के, और जो भी सरकार ने कहा हुआ है कि इतने खर्चे में करेंगे, उसके लिए भी जो जो हमारे प्रयास होंगे हम लोग उसको करने के लिए, और आज हमने कई फैसले उसके लिए लिए। सर, बस स्टैंड में गेहूँ डालने के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं, जबकि काफ़ी और ग्राउंड वगैरह ऐसे थे जहाँ डाला जा सकता। हमने वो प्रशासन को निर्देश दे दिया है, मुझे बताया गया था कि यहाँ पे, क्योंकि मंडी की यहाँ पे जीएसटी की वजह से स्ट्राइक भी हुई थी और काफ़ी अनाज यहाँ पे आ गया था। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में अब तक 1,71,000 क्विंटल गेहूं मंडी में आ चुका है। अनाज मंडी के सचिन इंद्रपाल का कहना है कि धीरे धीरे किसान अभी भी मंडी में अपना गेहूं लेकर आ रहे हैं। 44,000 क्विंटल गेहूं का अब तक उठान हो चुका है। वहीं हरियाणा स्टेट वेयरहाउस और दूसरी डीएफएससी है, अभी फिलहाल मंडी में 2-3 किसान ही अपना गेहूं लेकर बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, अभी तक मंडी में कितना गेहूं आ चुका है और कितने की उठान हो चुकी है? देखिए, अभी तक जो मंडी में गेहूं आया है वो 1,71,000 क्विंटल के लगभग हमारे पास गेहूं आ चुका है, जो एजेंसियों ने खरीदा है। और इसके अलावा जो उठान की स्थिति है वो अब तक हमारा कम से कम 44,000 क्विंटल के लगभग मंडी से उठकर गोदामों में जा चुका है। जी, अभी क्या सर मंडियों में किसान आ रहे हैं या कैसे है अभी? हाँ, मंडियों में 1-2 किसान अब भी आ रहा है जो अपना गेहूं लेके मंडी में बेचने के लिए आ रहा है, और अभी तो मंडी चली रही है क्योंकि 15 मिनट तक का टाइम है अभी तक। और कौन कौन सी एजेंसी अभी खरीदते हैं? और अभी तक जो खरीद हुई है वो हरियाणा स्टेट वेयर हाउस और डीएफएससी के द्वारा खरीद की गई और इन्हीं के द्वारा खरीद की जा रही है। पूरे देश में खिलाड़ियों के प्रति लगातार खुशी का माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में आने वाले ओलंपिक में जुलाना क्षेत्र की बेटी और बहू ने क्वालिफाई कर जुलाना क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में देश का नाम रोशन किया है। जुलाना हल्के के गांव बख्ताखेड़ा की बहू विनेश फोगाट का जब से ओलंपिक क्वालिफाई की खबर गांव में पहुंची है तभी से गांव की महिलाओं में खुशी का माहौल है। और जुलाना हल्के की बेटी अंशु मलिक का जो चयन भी ओलंपिक के लिए होने के बाद से महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ने बताया कि जब से उन्हें खबर मिली है कि उनकी बहन बेटी का चयन हुआ है तभी से पूरे गांव में खुशी, और उनका मानना है कि आने वाले समय में जो समय है वो बेटियों का है, बेटियां सुरक्षित हैं तो बेटियों के भरोसे ही भविष्य सुरक्षित है। तो अभी यहाँ पे भी मैं चाहूंगी कि और अच्छा करे बच्चे और आगे बढ़े देश में और देश के लिए और अच्छा करे। मैं पूनम रानी जी बख्ताखेड़ा से सरपंच, हमारी जुलाना हल्का में हमारी एक तो बहू है चाहे हमारी बहन। विनेश फोगाट वह उसने ओलंपिक में कोटा मिल गया जी। एक जुलाना हल्का में हमारी बेटी है अंशु मलिक, उसने भी ओलंपिक में कोटा मिला है जी। ये दोनों जुलाना हल्का की शान है जी, और हम तो नहीं चाहूँ जी और भी अपनी बेटियां ना खेला में आगे बढ़ाओ और अपनी छोरियां ना खेला में बढ़ाओगे तो आगे देश खातर सोना ले आऊंगी मैं। पूरा देश खुशी मना रहा है और हमने जुलाना ना भाई इतनी खुशी जांच है, एक मारी बहू है एक मारी बेटी है। पहले भी नाम रोशन किया जुलाना ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे हरियाणा का जुलाना के बेटे और बेटियों ने पहले भी मेडल आए हैं और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया हमारी बेटी ने और हमारी पोत्र वधू ने। तो हम बहुत खुशी से पूरा जुलाना झूम उठा है और हम विनेश फोगाट और अंशु मलिक हमारी दोनों बेटियां हैं और हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ये गोल्ड ले आवे और हम वहीकिल की मार के पूरा धूमधाम से खुशी मनावे। बहुत ज्यादा खुशी है मेरे गांव की बहू विनेश फोगाट, मेरे हल्के की बेटी अंशु मलिक का गोल्ड मेडल में नंबर पड़ा है और वे सोना लेके आएंगी। हमारे पूरे हल्के में, मेरे पूरे गांव में आज पूरा खुशी का माहौल है।
और लोकसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारी की घोषणा में लगातार कांग्रेस को देरी हो रही है और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंदिर सिंह मान से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकटधारियों की लंबी लिस्ट है और कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत जल्द उम्मीदवार घोषित करेगी। हरियाणा के उम्मीदवारों की फेक लिस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति साजिश के तहत इस तरह की लिस्ट किसी ने जारी की है जिसकी पार्टी स्तर पर जांच की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2024 का चुनाव जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव को लेकर के बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम पार्टियां ने जो है वो अपने अपने कैंडिडेट यहां पर उतार दिए। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए, चाहे वो जेजेपी की बात की जाए, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, तो तमाम जो पार्टियां ने जो है वो अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन बात की जाए तो कांग्रेस की अभी तक जो है वो लिस्ट जारी नहीं हुई, अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। आखिरकार क्यों लेट हो रही है इस लिस्ट को लेकर के, अपने उम्मीदवार को लेकर के? हमारे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंदिर सिंह मान है, हम जानते हैं आखिरकार लिस्ट क्यों लेट हो रही है। मान साहब, जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम पार्टियों ने जो है वो अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, कोई क्यों देरी हो रही है आखिरकार इस चीज को लेकर के? देखिए, अपनी अपनी पार्टियों का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। हमारी पार्टी ने पिछले इलेक्शन में भी नॉमिनेशन के एक दिन पहले लिस्ट दी थी, क्योंकि हमारी जो पार्टी है बिल्कुल सोच समझकर उम्मीदवार उतार दिया है, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, कार्यकर्ता इतने हैं जो लिस्ट के दावेदारी कर रहे हैं, तो सब में से मंथन किया जा रहा है, इसी वजह से समय लग रहा है। और हमारे अध्यक्ष जी ने, उदयवान जी ने भी अपने बयानों में आज कहा है कि 29 तारीख से पहले पहले लिस्ट आ जाएगी, कभी भी घोषणा हो सकती है और मंथन चल रहा है, 29 से पहले पहले कभी भी घोषणा हो जाएगी। मान साहब, देखा जा रहा है कि आज जो है कि लिस्ट जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो है तमाम जो है नाम जो है उसमें घोषित कर दिए गए हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उन्होंने खंडन भी कर दिया है, आखिरकार ये लिस्ट जो है किस तरीके की लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? बिल्कुल, ये जो खिलवाड़ हुआ है, जो हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत गलत है। और जिन लोगों ने भी ये लिस्ट जारी किया उसके बारे में जानकारी की जा रही है, तो मैं यही कहूंगा ये बहुत गलत, जो भी लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और हमारी बिल्कुल ये लिस्ट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेल है। हमारी जब लिस्ट आएगी, सबसे पहले मीडिया के सामने हमारी लिस्ट आती है, उससे पहले किसी को भी ये नहीं पता होता किसको टिकट मिल रही है किसको नहीं। देखा जाए तो जिस तरीके से जो है कांग्रेस के जो मंदिर सिंह मान है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और आखिर जो है मुख्यमंत्री के पास अगर शिकायत जाती है तो वो पूरी तरीके से जांच करे, पड़ताल करे, और कहीं ना कहीं जो पूर्व सीएम रहे हैं मनोहर लाल उनकी भी जांच कराई जाए, तो इस तरीके के आरोप यहां पर जो है वो यहां पर जांच कराने के जो है वो मंदिर मान सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है कांग्रेस की टिकट को लेकर के बात की जाए तो जल्द से जल्द जो है वो कांग्रेस की टिकट जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा यहां पर कर दी जाएगी। फरीदाबाद से हर खबर के लिए अनुपांचा। 2024 का चुनाव जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव को लेकर के बात की जाए तो जिस तो हरियाणा की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।